आप देख रहे हैं केवल सच। वो हमेशा इस तरह की बात करते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। 12 तारीख को बिल्कुल प्लॉट टेस्ट में तब 1001% हम लोग सफल हो गए। और जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं उनको नाकामयाबी हासिल है। एक तरीके से नजर बंद कर दिया है, उन्हें हैदराबाद भेज दिया, तो क्या आप भी अपने विधायकों से संपर्क में आप लोग हैं लगातार? नहीं, हम लोग तो सभी विधायक संपर्क में हैं, सभी विधायक इंटैक्ट है, कोई किसी को दिक्कत और परेशानी नहीं। जीतन राम मांझी नाराज हैं विस्तार, तो उन्हें जो विभाग मिला है मंत्रिमंडल विस्तार में, उनका कहना है कि क्या दलित है तो हमेशा कल्याण विभाग ही वो रहेंगे, पिछड़ा कल्याण विभाग उन्हें क्या बड़ा विभाग और नहीं मिल सकता है? अभी तो सुमन जी का आप किसी अखबार में काम पड़ा है, संतुष्ट है, जो कहे कोई हमको दिक्कत नहीं, हम तो एकदम एनडीए के साथ। नाराजगी की बात कहाँ है? बेटा है वो सर, वो बोल रहे हैं जिन्हें कारबार लेना है वो संतुष्ट हैं, बाबूजी नाराज हैं, तो लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? तो हमको ये सब मालूम नहीं है, लेकिन हमने जो अखबार पढ़ा है देखा है, जो मिनिस्टर हैं संतोष कुमार सुमन जी तो बिल्कुल संतुष्ट दिख रहे हैं। अखबार में हमने आज जान देखा है, कहीं दूसरी जगह नहीं देखा। आप कई चैनलों पर भी हो सकता है चल रहा हो, लेकिन चैनल पर देखेंगे तब पता चलेगा। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मुझे भी वही विभाग मिला, मेरे बेटे को भी वही मिला। हमको पूरी जानकारी नहीं है कब इनको कब भी विभाग कौन मिलता है, ये थोड़ी याद रहता है। देखेंगे तब पता चलेगा कि किनको कब किस समय में किसको कब विभाग। कोई नाराजगी नहीं है कि हमको वो विभाग मिला था। कई बार विभाग का मंत्री रहने पर का मौका मिलता है तो थोड़ी पता चलता है कि कब किस डेट से किस डेट तक कौन विभाग का मंत्री रहे। तो हमारे सचिव और हमारे ग्रामीण विकास के सभी अधिकारियों ने मेरा स्वागत तो किया भी उन्होंने, और स्वागत में एक बात और कही कि आज अपने ग्रामीण विकास के 104 आज यहां पर नवनियुक्त अधिकारी भी आज उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो मेरे स्वागत से ज्यादा अच्छा लगा कि आप सब आज हमारे विभाग में योगदान कर रहे हैं और आपके प्रतिभा का, आपका मेहनत का और आपके लगन और उत्साह का लाभ ग्रामीण विकास विभाग को मिलेगा। आप सबको मालूम है कि ग्रामीण अगर किसी के घर में आग लग जाए तो अंचलाधिकारी को नहीं खोजता है, किसको खोजता है? बीडीओ को खोजता है, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे या आरडीओ जिसको कह रहे हैं वो होंगे, उनके पास जाता है। और आपका व्यवहार अगर अच्छा रहा तो गरीबों को उसका सीधा तुरंत लाभ मिल सकता है, लेकिन आप अधिकारी जैसा अगर उनको ट्रीट कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक दो दिन उन गरीबों को कागज वहां तक पहुंचाने में समय लग सकता है, लेकिन आपका व्यवहार अगर ठीक रहा तो मिनटों में वो कागज जगह पर जा सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि बड़ा भरोसा है। और जितने अधिकारी यहां पर बैठे हैं, अरविंद चौधरी जी तो बहुत पुराने, लगभग 5 साल पहले भी सेक्रेटरी रहे, उसके पहले भी इस विभाग में रहे हैं, लगातार इस विभाग को देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग कितना महत्वपूर्ण विभाग है, कितना जटिल है। समस्या किसी भी विभाग का हो लेकिन कागज लेके किसके पास जाएगा? तो बीडीओ ही के पास जाएगा। और बीडीओ अगर थोड़ा गरीबों के प्रति ममता दिखाएंगे, गरीबों के प्रति थोड़ा उत्साह दिखाएंगे तो उनका सवाल हल हो सकता है। और खास करके सिर्फ आवास योजना नहीं है, सर
सर इधर भी सर सर इधर थोड़ा सा कुमार सिंह श्री मनीष आनंद सामान ले एक मिनट से रुक जाइए सर थोड़ा सा एक मिनट सर बैठ जाइए अब सही विजुअल आएगा हो गया श्याम जी हाँ हो गया अभी और लोग भी देंगे ना अभी और नंबर लाइन है हम लोग गलत दिखा रहे हैं से जुड़ा हुआ है दरअसल है कि लेकिन जिस तरीके से शिक्षक हैं वो आंदोलन कर रहे हैं हमें लगता है कि वो कह रहे हैं कि सरकार है वो तू लगे फरमान जारी कर रही है अब शिक्षा विभाग के जो मंत्री है माननीय उनसे मिलिए वो सही जवाब आपको देंगे हम आज हमसे क्या सही जवाब देंगे हमको इस विभाग के बारे में पूछेगा तो आज के बाद बढ़िया से बताएंगे